नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर है दिल्ली से। दिल्ली में धन लक्ष्मी निधि लिमिटेड की तरफ से उसकी तीसरी वर्षगांठ के अवसर पे, स्थापना दिवस के अवसर पर जबरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि भंडारा कीर्तन और महुआ टीवी से आए हुए कलाकार ओम प्रकाश पांडे ने अपनी जबरदस्त प्रस्तुति से दर्शकों के बीच जो है मनोरंजन करने का काम किया। इसके प्रेसिडेंट हेमंत राय जी और प्रमोद राय जी ने हमें बताया कि यह एक स्मॉल बैंकिंग कंपनी है जिसको कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और लगातार दिल्ली में अच्छा काम कर रही है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, पप्पू तिवारी जी, विनय तिवारी जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। विनय तिवारी जी, ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें लगभग कितने लोग उपस्थित थे वहां पे? जी सर, इसमें तो लगभग 500 से 600 लोग उपस्थित थे। और ये बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ जिसमें कि ओम प्रकाश पांडे जी को बुलाया गया था, जो कि महुआ चैनल के मतलब कलाकार है, बहुत अच्छे कलाकार है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ सर, ये कहाँ पे हुआ कार्यक्रम? ये हुआ दीपावली इनक्लेव फरीदाबाद में, जो श्री धन लक्ष्मी निधि लिमिटेड एक स्मॉल बैंकिंग का वो तीसरी वर्षगांठ थी, जिसमे की हम लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए और भंडारा और भोजन की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पे जो गीत संगीत हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी सुनवाएंगे, ओम प्रकाश पांडे जी बड़े कलाकार हैं महुआ चैनल के, क्या कहेंगे, किस तरीके का गीत संगीत जो है उन्होंने दर्शकों के सामने रखा वहाँ पे? उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजन और पूर्वी जैसे गाया, उन्होंने गजल भी गाए, तो जितना अच्छा उन्होंने मतलब अपना कार्यक्रम पेश किया, जिससे कि सारे मनोरंजन, सारे मतलब जितने भी दर्शक थे सब झूम उठे थे भजन कीर्तन को देख के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी बात करने के लिए हमसे। तो ये थे हमारे सहयोगी विनय तिवारी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। उन्होंने बताया कि धन लक्ष्मी निधि लिमिटेड की तरफ से जो आयोजन किया गया था, बड़ा ही जबरदस्त आयोजन था। आइए आपको सुनवाते हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश पांडे ने अपने गीतों के माध्यम से वहां पे दर्शकों का मनोरंजन किया। आइए पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Yeah.
सारे दो